Let's have a look at 32 question, and here it is given that A and B are two different places and they are how much distance apart? 180 किलोमीटर apart on a highway. यहाँ पे एक अगर A point है, दूसरी तरफ हमारा B point है, and it is how much distance away? 180 किलोमीटर away. And then they are saying one car starts from A, one car is starting from A and another from B at the same time. एक कार स्टार्ट हो रही है ए से और दूसरी कार स्टार्ट हो रही है बी. सिचुएशन से यहाँ पे भी कार है और बी वाले डिस्टेंस पे भी कार है सिचुएटेड. एंड इट सेज इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स. दे आर सेइंग कि कार जो है ट्रैवल कर रही है इन द सेम डायरेक्शन एंड एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 9 आवर्स. मतलब एक कार इधर गई, दूसरी कार भी इधर गई. दे आर इन द सेम डायरेक्शन बट दे आर एट डिफरेंट स्पीड्स. तब हमारी सिचुएशन क्या हो जाती है, दैट आई नीड टू सब्ट्रैक्ट द डिस्टेंस कवर्ड. व्हेनेवर द कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द डिस्टेंस. ध्यान रखना है इस चीज का. तो यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. लेट से कि हमारा जो कार ए ए पोजिशन पे है, इट हैज अ स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आर. और जो हमारी कार बी है, इट इज लेट से एट वाई किलोमीटर पर आर. देन आई वुड बी टेकिंग कि हमारा केस वन क्या है. जब हमें बोला जा रहा है कि हमारे जो दो व्हीकल्स हैं, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन बट एट डिफरेंट स्पीड. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार कितना हो जाएगा. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एज वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. तो डिस्टेंस को आप कैसे लिख सकते हो, स्पीड इन टू टाइम. अब यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए निकाल लेते हैं एक बार. ट्रेवल्ड बाय ए वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इन टू टी विच इज स्पीड इन टू टाइम. स्पीड कितना है हमारा यहाँ पे, एक्स है, और टाइम कितना है हमारा, 9 है. सो इट वुड बी 9x. सेकेंड सिचुएशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी वुड बी द, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 9 इन टू वाई, क्योंकि 9 हमारा स्पीड है, टाइम हमारा सॉरी स्पीड हमारा वाई है और टाइम हमारा 9 है. अब इस सिचुएशन में जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन आई नीड टू सब्ट्रैक्ट द डिस्टेंस. 9x में से 9y गए, एंड इट वुड बी इक्वल टू हाउ मच, कितना डिस्टेंस है टोटल, 180. सो हेयर इन दिस केस 9x माइनस 9y किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 180 के, क्योंकि डिस्टेंस कितना है इवेंचुअली कार ए और बी के बीच में, 180 का. Then what I can do in this equation is I can take 9 common x minus y bracket में बचा हमारे पास, और 9 से हम 180 cancel करेंगे, तो I would get 20. So equation 1 I get is x minus y is equal to 20. अब second situation की अगर हम बात करें, they are saying if they travel towards each other with the same speed as before, they meet in an hour. एक घंटे में क्या हो जाएंगे ये, वापिस आ, they will meet after 1 hour. तो यहाँ पे हमें सेकंड सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए. कितना ट्रैवल करेगा ए से, इट वुड बी 1 इनटू एक्स, क्योंकि टाइम कितना है, 1 है, एंड द स्पीड इज एक्स. एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी कितना हो जाएगा आपका, इट वुड बी 1 इनटू वाई. सो आपके पास 1x आ गया, 1y आ गया. नाउ व्हाट वी वुड बी डूइंग इज आई वुड बी एडिंग 1x एंड 1y. एंड राइट साइड हमारा क्या हो जाएगा, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 180 के. सो हेयर आई कैन अंडरस्टैंड दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180. सो आई हैव टू इक्वेशंस नाउ. फर्स्ट इक्वेशन भी है मेरे पास, सेकेंड इक्वेशन भी है. अब क्या करेंगे इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए, लेट्स यूज एलिमिनेशन मेथड, ताकि हमें एक्स की या वाई की वैल्यू एटलीस्ट मिल जाए. So I have x plus y is equal to 180, x minus y is equal to 20. Change the signs. X से x kya, y plus y would be 2y. And 180 में से 20 kya, 160 हो जाएगा. तो y की value कितनी आ जाएगी आपकी, it would be 80. इसका मतलब क्या है, car B is traveling with speed 80 km per hour. और car A की speed कितनी रहेगी हमारी, x plus y है हमारे पास, which is equal to 180. y की जगह क्या करोगे, 80 पुट करोगे, और राइट साइड पे 180. सो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, इट वुड बी 100. दिस वुड बी 100 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड ऑफ कार इज 100 किलोमीटर पर आवर,
and speed of car B would be 80 km per hour.